हेलो स्टूडेंट्स तो यहां पर इंडियन नेवी में इंजीनियर्स के लिए एक और डायरेक्ट एसएसबी इंटरव्यू का मौका आ चुका है आप लोगों के पास अब मेजर वैकेंसीज आ चुकी हैं यहां पर शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स की ठीक है काफी टेक्निकल ब्रांचेस जो हैं वो यहां पर नोटिफाई की गई हैं क्लियर इसके साथ साथ नेवल एजुकेशन कोर की भी वैकेंसी यहां पर नोटिफाइड है क्लियर तो ध्यान रखिएगा कि ये एप्लीकेशंस जो हैं ऑनलाइन फिलिंग अप स्टार्ट होगा ट्वेंटी अप्रैल से क्लियर अप्रैल से आप फॉर्म भर सकते हैं यहां पर जो वैकेंसीज नोटिफाई की की गई हैं वो है आप लोगों जनरल सर्विस ब्रांच ठीक है सो अगर आपके इंजीनियरिंग में 60 परसेंट मार्क्स हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं क्लियर तो यहां पर डिप्लोमा होल्डर्स जो हैं वो भी एलिजिबल हैं क्योंकि सिर्फ बीई या बीटेक मांगा गया है विद 60 परसेंट मार्क्स क्लियर इसके अलावा आपके एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ब्रांच नेवल ऑपरेशंस ब्रांच जो है उसकी वैकेंसीज़ यहां पर भी अगेन बीई बी टेक विद्सटी परसेंट मार्क्स रिक्वायर्ड है सेम इट इज फॉर दी फ्लाइंग ब्रांच आल्सो क्लियर सो नेवल फ्लाइंग ब्रांच भी यहां पर नोटिफाइड है इसके बाद नेवल लॉजिस्टिक्स में अगेन बीई बी टेक फर्स्ट क्लास सिक्सटी या फिर एम विद सिक्सटी इसके साथ साथ अगर आपने बी एस सी बीकॉम बीएससी आई टी करी हुई है विद विदर्सेंट बट उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा की जरूरत है क्लियर yeah. अगर आप प्लेन हैं आपने करा हुआ है, Bcom क्या हुआ है है किया ठीक है वो सिर्फ आपने किया हुआ है तब आप अप्लाई नहीं कर सकते ठीक है बीएससी बीकॉम के साथ साथ अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया हुआ है फाइनेंस लॉजिस्टिक सप्लाई चेन मैनेजमेंट में या मेटीरियल मैनेजमेंट में सिर्फ तभी अप्लाई कर सकते हैं क्लियर इसके साथ साथ अगर आपने एम की हुई है तब भी आप लॉजिस्टिक्स ब्रांच में अप्लाई कर सकते हैं क्लियर नेक्स्ट मूविंग अहेड यहां पर अगली जो वैकेंसी नोटिफाई की गई है वो है नेवल आर्मामेंट और इंस्पेक्टोरेट कार्डर की क्लियर अगेन बीई बीटेक विद 60 परसेंट मार्क्स मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक्स ऑलमोस्ट सभी ब्रांचेस यहां पर नोटिफाइड है ठीक है उसके बाद

इसके अलावा सिक्सटी परसेंट मार्क्स हैं आपके एमटेक में एमटेक अपने किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से की हुई है या तो थर्मल प्रोडक्शन इंजीनियरिंग या मशीन डिजाइन में एमटेक इन कम्युनिकेशन सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन वीएलएसआई पावर सिस्टम इंजीनियरिंग तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं क्लियर इसी के साथ साथ यहां पर इंजीनियरिंग ब्रांच जो है जनरल सर्विस इंजीनियरिंग ब्रांच बीई बी टेक विद सिक्सटी परसेंट मार्क्स और ब्रांचेस है मैकेनिकल ऑटोमेशन मरीन इंस्ट्रूमेंटेशन प्रोडक्शन एरोनोटिकल इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग कंट्रोल इंजीनियरिंग एरोस्पेस ऑटोमोबाइल, मेटलर्जी मेकेट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल और इसके साथ साथ इलेक्ट्रिकल ब्रांच जनरल सर्विस ब्रांच में भी वैकेंसीज आ चुके हैं ठीक है अब आप ये देख सकते हैं कि यहां पर वैकेंसीज जो है मेन वेमेन सभी के लिए दी गई हैं। ठीक है ओके okay. तो यहां पर आप देख सकते हैं सभी जो ब्रांचेस है उसमें मेन वेमेन अप्लाई कर सकते हैं जनरल सर्विस में सबसे ज्यादा 50 वैकेंसीज हैं उसके बाद आप देख सकते हैं लॉजिस्टिक्स में 30 वैकेंसीज आई हैं क्लियर सो रिलेटिवली अच्छी खासी वैकेंसीज आई हैं क्लियर सो so, आप अप्लाई करना शुरू कर सकते हैं ट्वेंटी से एंड लास्ट डेट इज फोर्टीन ऑफ मे चौदह मई आखिरी डेट है यहां पर अप्लाई करने की क्लियर तो यहां पर आप देखिएगा कि कोई भी रिटर्न एग्जाम नहीं है डायरेक्ट एस इंटरव्यू है क्लियर इसके साथ साथ अगर आपने एनसीसी सर्टिफिकेट है ठीक है एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर जो है उन्हें रिलैक्सेशन दिया जाएगा फाइव परसेंट का कट ऑफ में अब यहां पर एनसीसी सी सर्टिफिकेट आपका नेवल आर्मी या एयर किसी भी विंग का चल सकता है ठीक है दूसरी चीज आप यहां पर ध्यान रखिएगा कि ये जो सभी वैकेंसीज है ठीक है

इसके अलावा आप ये देखेंगे कि ये जो क्वालिफिकेशन है आपकी दे शुड बी फुलफिल्ड बाय 20th ट्वेंटी 23 क्लियर क्योंकि यहां पर इंस्ट्रक्शन जनवरी 2024 की है क्लियर इसके साथ साथ यहां पर सभी जो सिलेक्शन प्रोसीजर है उसमें मेंशन किया गया है कि डायरेक्ट एसएसबी इंटरव्यू है क्वालिफाइंग मार्क्स अगर आपके हैं आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा देन यू विल बी कॉल्ड फॉर इट क्लियर और सेम आप देख सकते हैं कि कमीशन ऑफिसर ब्रांच है ये ठीक है तो यहां पर आप लोगों के लिए सभी वैकेंसीज जो हैं वो नोटिफाई कर दी गई हैं सो प्लीज डू अप्लाई फास्ट क्लियर सो गर्ल्स और बॉयज दोनों के लिए वैकेंसीज हैं क्लियर इसके साथ साथ आप लोगों के डायरेक्ट एसएसबी इंटरव्यूज की तैयारी और रिटर्न के बाद एसएसबी की तैयारी टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग सी डी एस एफकेट सी के चैनल पर मिलेगी आपको तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू दिस यूट्यूब चैनल एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन फॉर दी अपकमिंग एस एस बी इंटरव्यूज ओके सो सी यू ऑल इन दी सेशंस जय हिंद